जौनपुर में बीआरपी कॉलेज के मैदान में चल रही श्री राम कथा इन दिनों सुर्खियों में है। सुर्खियों में रहने का मुख्य कारण यह है क्योंकि यहाँ हिंदू मुस्लिम सभी एक साथ बैठकर श्री राम कथा सुनने का काम कर रहे हैं। वैसे तो जौनपुर में दोनों धर्म के लोग हमेशा से गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल पेश करते नजर आते हैं। बता दें कि सेवा भारती समिति जौनपुर काशी प्रांत द्वारा श्री राम कथा का आयोजन हुआ है। पूरे पंडाल को भगवामय कर दिया गया है। क्या बुजुर्ग, क्या युवा, क्या महिला, क्या बच्चे, सभी बड़े उत्साह के साथ श्री राम कथा सुनने पहुंच रहे हैं। हजारों की तादाद में राम कथा में रोजाना श्रोताओं की भीड़ उमड़ रही है। महिला पुरुष के साथ साथ किन्नर भी श्री राम की कथा में शामिल हो रहे हैं। कथा सुनने पहुंचने वाले बच्चे बताते हैं कि हमें श्री राम की कथा से बहुत कुछ सीखने और अपने सनातन धर्म की जानकारी हो रही है। तो भी राम कथा में आए हो, क्या कुछ सीखने को मिला राम कथा सुन के, कैसा लग रहा है? जी, राम कथा हम लोग को ये हमारी पुरानी संस्कृतियाँ सिखाती हैं कि आज के वक्त हम लोग आज के वक्त आर्टिफिशियल चीज़ों पे जी रहे हैं जो कि हम लोग के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। आज तरह की कई बीमारियाँ, कैंसर, डायबिटीज, ये सारी बीमारियाँ इसलिए क्योंकि हम लोग की जिंदगी इन सारी टेक्नोलॉजीज की वजह से आरामदायक हो गई है। लेकिन अगर हम लोग राम कथा के हिसाब से, अपने पुराणों के हिसाब से रहें तो हम लोग इस तरह की बीमारी कभी नहीं होगी। राम के आधार सब चलोगे? जी बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम बेटा? संज्ञा सिंह। आप भी राम कथा में आए हो, राम कथा का आपने श्रवण किया, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हमारी संस्कृति है। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, भी कुछ साल पहले कोरोना टाइम आया था तो उसमें जो टीवी पे रामायण दिखाया जा रहा था, मैंने उसे भी देखा। उससे भी मुझे बहुत मोटिवेशन मिला और उससे हमें बहुत सारी चीज़ें जानने को भी मिलती हैं क्योंकि आज के टाइम में जो हम आर्टिफिशियल चीज़ें जी रहे हैं, उन चीज़ों को जीते जीते हम अपनी संस्कृति को भूल चुके हैं। तो उसे जानने के लिए हमें ये सब चीज़ें हमेशा पढ़नी चाहिए, सुननी चाहिए और देखनी भी चाहिए। और जो मतलब हमारे और भी दोस्त वगैरह हैं, उन्हें भी बतानी चाहिए ये सब चीज़ें। अपने दोस्तों को भी बताएंगे किस तरह से राम कथा हो रही है? जी ज़रूर, हमने अपने दोस्तों को बुलाया भी है। आने तैयार है? बिल्कुल। इस समय हम बीआरपी इंटर कॉलेज के मैदान में हैं और अगर आपको दिखाएं तस्वीरें तो आप देख सकते हैं कि राम कथा का भव्य पंडाल लगा हुआ है और पूरा जौनपुर यूं कहें तो भगवामय हो गया है। तो जो भक्तगण हैं जो राम कथा सुनने आ रहे हैं, उन महिलाओं से हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मैं उर्वशी सिंह, अतुल वेलफेयर ट्रस्ट की अध्यक्ष हूँ। आप राम कथा का श्रवण करने आई, कैसा लगा राम कथा सुन के? जी कैसा लग रहा है राम कथा? राम कथा सुन के तो जीवन पर सबसे पहले तो पुण्य, हम लोग पुण्य के भागीदार बन रहे हैं और हमें नहीं लगता कि इस तरह का राम कथा हमने अपने जीवन में कभी सुना है। तो ऐसे दृश्य के लिए हम लोग शायद समर्पित हैं और हमें लगता है कि इसके लिए हमें सबसे बड़ा धन्यवाद ज्ञान प्रकाश सिंह चाचा जी को देना चाहिए जिनके सहयोग से इतना भव्य और शानदार राम कथा का आयोजन हुआ है जो शायद लोगों को बहुत दिन तक ही दिमाग भूलने वाला है नहीं। बिल्कुल, देखिए ये राम कथा लोग भूलने वाले नहीं हैं और क्या महिला, क्या पुरुष, थर्ड जेंडर भी जो है राम कथा में सम्मिलित होने के लिए पहुंचे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बिट्टू किन्नर, मैं अतुल वेलफेयर ट्रस्ट के गुलाबी समिति के अध्यक्ष हूँ। अच्छा, आप भी राम कथा श्रवण करने आए? एकदम एकदम। राम कथा भैया, हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, हमें हमारा सौभाग्य है कि हमने राम कथा सुना और ऐसा राम कथा हो और इससे भी विशाल हो ताकि मतलब सारे हिंदू हमारे सनातनी जागरूक हो। राम मंदिर भी जो है निर्माण होने वाला है, जनवरी में उद्घाटन हो जाएगा, रामलला पहुंच जाएंगे मंदिर में, क्या कह रही हैं? राम मंदिर, इसमें हमारे गुरुओं ने भी बहुत सहयोग किया है और हम लोगों ने भी किया है। राम मंदिर बनने से भी हम लोग खुश हैं। बस यही कहेंगे, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जिस तरह से राम कथा यहाँ जौनपुर में हो रही है तो क्या इसे बच्चों पे भी जो इफेक्ट पड़ेगा? बच्चे जो है राम के आदर्शों पे चलेंगे, क्या लगता है? चलने वाले आज भी चल रहे हैं भैया, ऐसा नहीं है, क्योंकि कहा जाता है कि वीरो धरती से खाली नहीं है। जब ऐसे बच्चे, ऐसी माँ, ऐसी बीवी, ऐसे बहने, ऐसे भाई हैं आज भी, ऐसे होते नहीं तो भैया ये 4 घंटा समय क्यों दे रहे हैं अपना। आज भी ऐसे लोग हैं जो भी सुन के जा रहे हैं। ऐसा हो गया कि अभी हमारे साथ आई थी 2-3 औरतें कथा सुनने के लिए, वो घर पे जाके बस दिन भर इसी राम कथा का चर्चा चल रहा है। तो शायद प्रभाव तो पड़ रहा है ना, पूरा जौनपुर भगवा में हो गया है, भगवा में हो गया है और हो जाए राममय हो गया। पूरा जौनपुर नहीं, हम तो जानते हैं हमारे जो पूरी हिंदुस्तान राममय हो गया है। 22 जनवरी को इसका असर और भी ज्यादा दिखेगा। ये जो राम कथा यहाँ पे हो रही है इसका जौनपुर के युवाओं पे कितना असर पड़ेगा? क्योंकि अगर देखा जाए तो अभी कुछ दिनों पहले यहीं गणेश उत्सव होता है तो उसमें जो है बॉलीवुड के सॉन्ग होते हैं, अश्लील गाने बजते हैं, ऐसे में जब राम कथा होती है तो कितना इफेक्ट पड़ेगा बच्चों के मन? देखिए ऐसा है कि जैसे
कार्यक्रम जो भी हो हमारे जनपद के ही भाई बंधु करवा रहे हैं, ठीक है। तो हमें अगर निमंत्रण मिलता है तो हमारा ये नहीं है कि हम बहुत रुचि रख रहे हैं तो हम जा रहे हैं, लेकिन उनकी उनके सम्मान में हम लोग वहाँ पे चले जाते हैं। लेकिन सही जो चीज़ हो रहा है वो ये हो रहा है, आप जनपद में जो जनपद में राम कथा हो रहा है ये सबसे सही चीज़ हो रहा है। और हम लोग आपको बता दें, सपने में भी नहीं सोचा गया था जो हमारे भक्तों ने यहाँ साबित कर दिया, यहाँ पे आकर अपना कीमती समय 4 घंटा एक महिला आप जान रहे हैं खूब अच्छी तरीके से, महिलाओं के पास बहुत काम होता है बच्चों को घर से बाहर से हर चीज, लेकिन फिर भी 4 घंटा यहाँ शांति पूर्वक बैठ के राम कथा सुन रही है और श्री राम का नारा लगा रही है। इससे बड़ा हिंदू तो और क्या हो सकता है। हमारे जानकारी में जहाँ तक मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊँ तो आज मेरे घर में कुछ ऐसे मरीज थे जो कि डेंगू से पीड़ित थे और 2 दिन पहले वो अभी वहाँ से डिस्चार्ज होके आए हैं, लेकिन उन्होंने भी 4 घंटे ना बैठने के बावजूद भी 4 घंटे पंडाल में बैठ के कथा सुना है। तो शायद हमें लगता है कि इससे बड़ा हिंदुत्व की पहचान अब नहीं है, और हमें अपने हिंदुत्व को जगाने के लिए जो ज्ञान चाचा ने किया और हम सदैव हमारे जो गुरु जी ने इतना अच्छा, शांतनु महाराज जी ने इतना अच्छा राम कथा कहा है, शायद इसको सुनने के बाद हमें नहीं लगता कि हम लोग अब राम जी से कहीं दूर हो पाएंगे। देखिए पूरा जौनपुर जो है जय श्री राम के नारों से गुंजायमान है। कुछ और महिलाएं, इनसे बात करेंगे। ये क्या सुना मैं आपका? डॉक्टर अंजना श्रीवास्तव। अंजना श्रीवास्तव जी, आप जौनपुर की हैं, जिस तरह डायरेक्टर उत्तर प्रदेश सरकार जी, बिल्कुल। तो ये देखिए जौनपुर में जिस तरह से ज्ञान प्रकाश सिंह जो ज्ञान की गंगा बहवा रहे हैं राम कथा करके, क्या किस नजरिए देखते हैं? एकदम बिल्कुल धर्म का प्रचार है, धर्म को बढ़ावा है और राममय पूरा जौनपुर हो चुका है। बच्चे बच्चे में राममय, धर्म सनातन धर्म चारों तरफ एकदम उमड़ पड़ा।